यार ले लाइट ही चली गई। तो भैया हमको वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग करते करते हो चुके हैं लगभग 7-8 साल। एंड पहले मैं यूज़ करता था कैनन का C200 जो काफ़ी हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा माना जाता था उस वक्त के हिसाब से, बट दैट कैमरा वॉज वे टू हैवी टू कैरी एवरी प्लेसेस। सो आई सोल्ड दैट कैमरा एंड आई स्टार्ट यूजिंग सोनी A7S3 एंड टर्न दैट कैमरा इन टू दिस, सो आई कैन टेक माई फिल्म मेकिंग प्रोसेस टू अनदर लेवल। एंड अब ये है हमारा डॉक्यूमेंट्री शूट का सेटअप, अ परफेक्ट कैमरा रिग एटलीस्ट फॉर मी। एंड आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ यू कैन टर्न योर कैमरा इनटू समथिंग लाइक दिस एंड ये कैसे हेल्प करेगा आपके पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। बट उसके लिए आपको चाहिए होंगी थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज। नाउ लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। तो हम अपने पूरे कैमरा सेटअप में हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल रिग की एसेसरीज़ एंड वो काफ़ी ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के एकदम कैमरा एसेसरीज़ बनाते हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ही बनाते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज़ लाइक टिल्टा, काफ़ी ही मतलब औकात के बाहर के आइटम्स बनाते हैं, तो इसलिए स्मॉल रिग बेस्ट। एंड इस पूरे सेटअप के लिए हमको सबसे पहली चीज़ चाहिए थी वो थी कैमरा केज, जिसमें हम अपनी पूरी सारी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हम क्या कर सकें ऐड कर सकें और माउंट कर सकें जो भी कहना हो आपको। एंड टॉप हैंडल एंड साइड हैंडल आप अपने चॉइस का कोई भी ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया है एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे बट वो थोड़े से हाई एंड पे जा रहे थे, अपन को थोड़ा बजट में रह के बनाना था तो अपन ने ये वाले चूज़ किए। और टॉप हैंडल पे हम लगाएंगे मॉनिटर माउंट जिसमें लगेगा हमारा मॉनिटर एंड मॉनिटर के ऊपर हमने लगाया है एक और केज। एंड इस पूरे सेटअप को बनाने का एक मेन रीज़न ये भी था कि इसमें हम अपना मॉनिटर माउंट कर सकें। एंड मॉनिटर है एटमोस का न्यू निंजा, मतलब न्यू निंजा का नाम है। एक और मॉडल आता है एक और मॉडल आता है जिसका नाम है निंजा अल्ट्रा जो थोड़ा सा और हाई एंड में था, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स थे बट जो हमको चाहिए था वो सारा न्यू निंजा में था। तो इसमें आप वैसे 6K रॉ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपका कैमरा सपोर्ट करता है तो, एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कैमरा रिग की तो उसके बारे में ही बात करेंगे। सो अब करते हैं अपन अपना कैमरा सेटअप फ्रॉम द स्क्रैच। We'll be right back.
बट इतना सब तामझाम करने का क्या मतलब है? टॉप हैंडल लगाना, साइड हैंडल लगाना, मॉनिटर, माइक, क्या मतलब है इन सब का? एंड ये कैसे हेल्प कर रहा है आपको आपकी फिल्म मेकिंग में? सो उसके चार रीज़न है। रीज़न नंबर वन, इट प्रोवाइड्स यू सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सपोज़ आप कोई भी आप हैंड हेल्ड शॉट ले रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कैमरा शेक होने के, बट अगर आप उसमें एक एक्स्ट्रा वेट ऐड कर लेते हो तो वो चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्मूदर शॉट ले सकते हो। रीज़न नंबर टू, इसमें आप काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक मैट बॉक्स एंड मॉनिटर एंड माइक एंड फॉलो फोकस, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। एंड अगर आप काफ़ी बिग क्रू के साथ आप काम कर रहे हो तो भी ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आपके हेल्प में आती हैं। रीज़न नंबर थ्री, कंफर्ट। सपोज़ आप कहीं पे शूट पे हो एंड आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो एंगल शॉट्स भी लेने हैं एंड हाई एंगल शॉट्स भी लेने हैं, तो वहीं पे हेल्प में आते हैं ये टॉप हैंडल एंड साइड हैंडल, जिसकी वजह से एक प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। सो आप काफ़ी इजीली लो एंगल शॉट्स भी ले सकते हो एंड हाई एंगल शॉट्स भी ले सकते हो। यार देखो, लगने को तो इसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगती हैं, जैसे कि वी माउंट बैटरी एंड एक प्रॉपर व्यू फाइंडर एंड एक शोल्डर रिग एंड काफ़ी सारी चीज़ें, बट अपने को एक थोड़ा बजट में रह के बनाना था तो इसलिए ये अपना सेटअप था। रीज़न नंबर फोर, ये थोड़ा सा फनी है बट यही है, इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। सपोज़ आप कहीं पे शूट में हो एंड आप खाली बेसिक अपना किट लेके चले गए हो तो सामने वाला क्लाइंट भी शायद आपको उतना प्रोफेशनल एंड सीरियस नहीं समझेगा, एंड वहीं पे अगर आप अपना प्रॉपर सेटअप एंड प्रॉपर रिग लेके जाते हो तो शायद सामने वाला आपको ज़्यादा सीरियस भी समझे एंड इवन वो आपको ज़्यादा पे भी करे, तो ऐसा भी होता है। सो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था अपना एक प्रॉपर कैमरा रिग बनाने का, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग कैमरा रिग सिस्टम। See you in the next.